नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाईपास पर 4 जनवरी को हुए सड़क हादसे में मौत का शिकार होने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के MBBS की छात्रा मृतिका रूबी ठाकुर को आज उनके सहपाठियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डीन कार्यालय के समक्ष मेडिकल के छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेडिकलिज्म कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सभी ने अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर MBBS थर्ड ईयर की छात्रा रूबी ठाकुर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है कि रूबी बहुत ही हसमुख और मिलनसार थी, वहीं पढ़ाई में भी सबसे होशियार छात्रा थी। उसके इस तरह से दुर्घटना का शिकार होने का सभी को गम है। वहीं ICU में भर्ती सौरभ ओझा के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। विदित हो कि जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के MBBS के 2 बाइक सवार छात्र छात्राओं को 14 चक्के ट्रक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में पीछे बैठी छात्रा रूबी ठाकुर ट्रक के चक्के के चपेट में आ गई और 50 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। बाइक चला रहा छात्र सौरभ ओझा सदमे में आ गया, जिसे इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल छात्र ICU में भर्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। हमारी हम सबकी सहपाठी रूबी ठाकुर, जो कि थर्ड ईयर की छात्रा थी, उसकी 4 जनवरी को एक दुखद हादसे में भेड़ाघाट बाईपास के पास मृत्यु हो गई, जहां पर एक ट्रक वाले ने उसको टक्कर कर दी थी। उसी चीज़ के शोक में आज समस्त मेडिकल समाज, सारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, उसके सहपाठी सब उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सुशील और अच्छी कन्या थी। इतने अच्छे व्यवहार की थी कि कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं किया करती थी, सबका ध्यान रखती थी और हमेशा खुश रहती थी। ऐसे सहपाठी का जो लॉस है वो हम सबके लिए बहुत दुखदायी है, हम सब के लिए बहुत पीड़ाजनक है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी हो शांति में हो। हम उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा मेडिकल समाज उसके साथ खड़ा है और उसे याद करता है। ओम शांति। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली थर्ड ईयर की छात्रा रूबी ठाकुर का पिछले दिनों ट्रक एक्सीडेंट में आकस्मिक निधन हो गया, जिसको लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मेडिकल के छात्र एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेडिविज़न के सभी कार्यकर्ताओं ने आज कॉलेज में डीन ऑफिस के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की एवं भगवान से आशीर्वाद लिया कि पुण्य आत्मा को शांति मिले। एवं सभी छात्र छात्राओं का ऐसा है कि आगे जो ट्रैफिक्स हैं उनके लिए थोड़ा सरकार सावधानी बरते और जो उसको है एक्सीडेंट हुआ उसको न्याय मिले। आदर्श रावत, महानगर सहमंत्री AVUP। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।